नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच अब विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट ये आ रही है कि कोलकाता पुलिस ने मोहम्मद शमी की कार की फॉरेंसिक जांच करवाई है और कार की फॉरेंसिक जांच में जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया था हसीन जहां ने, उस जांच में ऐसा कुछ नहीं निकला था। हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद शमी की कार में कॉन्डम्स मिले या उन्हें उन अवैध संबंधों को लेकर कई सारे आरोप लगाए थे। खबर ये आ रही है कि उस कार की फॉरेंसिक जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है, यानी कि यहाँ पर मोहम्मद शमी जो हैं वो सेफ हो गए हैं। हालांकि अभी एक सवाल और है, हसीन जहां का जो मोबाइल फ़ोन है उसकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और उस फ़ोन की का अभी तक कोई तमाम अपडेट नहीं आया है कि किस जांच के लिए उसे रखा गया था। लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि फ़ोन को शायद इस वजह से रखा गया होगा या फॉरेंसिक जांच के लिए किया गया होगा कि जो चैट्स वायरल की थी हसीन जहां ने, जब 7 मार्च को मोहम्मद शमी पर आरोप लगाया था तो उन्होंने कहा था कि इतनी सारी लड़कियों के साथ चैट्स हैं और पूरा चिट्ठा लेके वो मीडिया के सामने आई थी और फेसबुक पर भी इस तरह की चीज़ें पोस्ट की थी, जिसके बाद फेसबुक ने उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया था। अब खबर तो यही आ रही है कि कार में तो इस तरह की कोई चीज़ मिली नहीं है, BMW कार थी मोहम्मद शमी की, और हसीन जहां के फ़ोन की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट फ़िलहाल आना अभी बाकी है। यानी कि अगर रिपोर्ट में कुछ इस तरह का आता है जहां पर जो है मोहम्मद शमी अगर वहां पर गलत पाए जाते हैं तो मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी हो सकती है। एक बात और सामने आई है कि हाल ही में कोलकाता पुलिस ने पूरा सच तो चिट्ठा तो नहीं खोला, लेकिन कोलकाता पुलिस ने ये कह दिया है कि हसीन जहां की उन्होंने मेडिकल जांच कराई है, मेडिकल रिपोर्ट में अब उनके पास आ चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट जल्द ही कोलकाता पुलिस जो है वो कोर्ट में पेश करेगी। अब इस बात के दो मतलब निकलते हैं। पुलिस के मुताबिक वो कोर्ट में पेश तो करेंगे मेडिकल रिपोर्ट के सबूत, अगर पुलिस को यहाँ पर डाउट हुआ है, अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ शमी के खिलाफ है तो कार की जांच की अब रिपोर्ट आ गई है वो भी सारी चीज़ें हैं। अब फ़ोन की जो रिपोर्ट आएगी वहाँ से शायद पुलिस एनालाइज कर लेगी और शायद ये मामला जो है बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से कार की फॉरेंसिक जांच की जो खबरें आई हैं वो अब थोड़ा सा शमी के लिए राहत पैदा कर सकती हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ये है कि मोहम्मद शमी पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, उनके भाई हसीब अहमद पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, तो अगर दुष्कर्म हुआ है तो यहाँ पर मोहम्मद शमी बहुत बुरा फंसेंगे। फिर तो कोई मसला ही नहीं रह जाएगा अवैध संबंध और ये सारी चीज़ों का, क्योंकि एक साथ कई धाराएं लगा दी हैं हसीन जहां ने। पहले तो अवैध संबंध, उसके बाद मैच फिक्सिंग लगाया, उसके बाद उन्होंने इस तरह के दुष्कर्म के आरोप लगाए शमी और उनके पूरे परिवार पर। मैच फिक्सिंग विवाद में हालांकि मोहम्मद शमी को क्लीन चिट मिल गई, दुष्कर्म अगर शमी ने किया है तो शायद वो भी गलत है और हो सकता है अगर हसीन जहां यहाँ पर सही साबित हो गई तो शमी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। एक खबर और जो सामने आ रही है वो ये है कि हसीन जहां हाल ही में लाल बाजार कोर्ट पहुंची थी और लाल बाजार कोर्ट में जाकर उन्होंने कई सारी शिकायतें दर्ज कराई थी, उन्होंने कई सारी चीज़ें जो हैं वो रखी थी पुलिस के सामने। अब ये समझ की बात ये है कि मोहम्मद शमी के घर सहसपुर अमरोहा पहुंची थी हसीन जहां हाल ही में और शमी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे, यानी कि गंभीर आरोप लगाने के बाद मोहम्मद शमी के गांव पहुंची और अपना हक मांगने पहुंची थी अपनी बच्ची के साथ। अब बच्ची के साथ अगर हक मांगने पहुंची हैं हसीन जहां तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि हसीन जहां भी यहाँ पर जो है वो समझ गई थी कि मोहम्मद शमी के साथ हो सकता है कि आने वाले समय में कंप्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन उनका जो शुरुआत से ही एक जो कहना है वो ये है कि अगर शमी मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं इस विवाद को यूं ही ख़त्म कर दूंगी, यानी कि आप इतनी बड़ी गलती माफ़ कर सकती हैं, ठीक है, आप अच्छा है, दिल बड़ा होना चाहिए कि आप माफ़ कर रही हैं, लेकिन जब आप कोर्ट के मसले पर चली गई, कोर्ट तक ले गई केस को, तो फिर पंचायत का क्या फैसला बनता है, पंचायत के पास आने का क्या मतलब बनता है। साफ तौर पर आप अपना हक मांग रही हैं। अब पंचायत ने भी ये फैसला लिया, तुर्क बिरादरी बीच में आई और तुर्क बिरादरी ने कहा कि भाई हम पुराने ढर्रे के हिसाब से शमी और हसीन जहां को जो है एक कमरे में बैठ के बातचीत करने का मौका देंगे, फिर जो मसला जो अगर हल हो जाता है तो फिर ये दोनों जो हैं ये साथ में रहेंगे। क्योंकि हसीन जहां जब गई तो वहाँ मोहम्मद शमी के यहाँ ताला लगा हुआ था, ताला लगने के बाद हसीन जहां ने पुलिस की मदद मांगी, पुलिस ने कहा कि हम जो है वो पुश्तैनी घर है, और बात सही भी है, पुश्तैनी घर को इस तरह आप ताला नहीं तोड़ सकते। और मोहम्मद शमी ने साफ तौर पर SP ऑफिस में एक मेल भी डाला था जिस तरह से खबरें आई थी कि भाई हसीन जहां को मैं अपने घर में नहीं रख सकता,
उन्होंने इस तरह के इल्जामात लगाए हैं मुझ पर। लेकिन अगर हसीन जहां चाहें तो वो अमरोहा के किसी भी होटल में रुक सकती हैं और उस होटल का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। यानी कि मोहम्मद शमी ने यहाँ पर अपनी चीज़ें साफ तौर पर क्लियर कर दी। लेकिन इन सब चीज़ों का जो असर पड़ा इस विवाद का, जो 7 मार्च को लगा शमी के खेल पर पड़ा, बहुत मुश्किल से मैच फिक्सिंग विवाद में उन्हें क्लीन चिट मिली, पर दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस तरह के प्रदर्शन की उनसे उम्मीद की जा रही थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई किस तरह से मोहम्मद शमी अब टीम में वापस आते हैं, क्योंकि जब आप दिल्ली के लिए 4 मैच खेले उसके बाद दिल्ली की टीम से बाहर ही बैठे रहे। एक चीज़ और जो सामने आई है वो ये है कि मोहम्मद शमी को लेकर जो कई सारे क्रिकेटर्स जो सपोर्ट में आए थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, शमी बहुत सीधा आदमी है और वो इस तरह के मामलों में जो है वो गलत नहीं कर सकता, हमें इतना लगता है। लेकिन शमी के खेल पर असर पड़ा, टीम ने बाहर रखा, उसके बाद अब टीम इंडिया से भी मोहम्मद शमी को बाहर बाहर कर दिया गया है। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है जिसमें सिद्धार्थ कौल को शमी की जगह जगह मिली है। अब यहाँ पर मोहम्मद शमी को अपने करियर के लिए भी फाइट करनी है, आपका करियर भी दाव पर लग गया है, साथ ही आपकी ज़िंदगी भी दाव पर लग गई है। एक बात जो थोड़ी समझ से पार है वो ये है कि जब शुरुआत में हसीन जहां ने इल्जाम लगाए थे तो मोहम्मद शमी ने कहा था कि मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूं, मैं हसीन जहां को अगर कोई भड़का रहा है तो मैं उससे समझाऊंगा, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, मुझसे बात नहीं करना चाहती। उसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछे, जब मैच फिक्सिंग वाला विवाद, वहाँ क्लीन चिट मिली, वहां से हसीन जहां मीडिया के अगेंस्ट होती गई, उन्होंने मीडिया के साथ बदसलूकी भी की। अब जब मोहम्मद शमी को वहां पर क्लीन चिट मिली, उससे पहले मोहम्मद शमी कई मीडिया चैनल्स के पास गए और मीडिया चैनल से दरख्वास्त की कि आप जो है सच है वो दिखाएं। ठीक है, अच्छी बात है, मीडिया का काम है सच दिखाना, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद शमी ने भी उसके बाद मीडिया से बातचीत नहीं की। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब हसीन जहां ने पलटी बाजी पलटी और उन्होंने कहा कि भाई शमी से मैं बात करना चाह रही हूँ, शमी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अब शमी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, रीज़न ये दे दिया गया कि भाई आईपीएल खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी क्रिकेटर्स के भी परिवार ऐसा लगता है कि साथ में ही घूम रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बात नहीं हो सकती। ठीक है, आप अपने गेम पर फोकस है, लेकिन आप जब टीम से ही बाहर चल रहे हैं, और दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच ने साफ तौर पर कहा था कि मोहम्मद शमी के निजी मसलों का असर उनके सीधे खेल पर पड़ा है और अब उनके खेल से कोई फर्क, शायद उनके उनके टीम में रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ये बात तो साफ हो गई थी कि मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी के बीच विवाद का असर उनके खेल पर साफ तौर पर पड़ा है। थोड़ा हेल्दी भी हो गया, आजकल फिटनेस का ज़माना है, तो अब शमी के पास एक ही चीज़ रह गई है, अपने इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि अगर आप इस मसले में फंसे रहेंगे तो आपको अगर इंग्लैंड दौरे के लिए सिलेक्ट कर भी लिया जाता तो भी शायद आप नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप देश छोड़ के नहीं जा सकते तब तक। तो इस तरह के प्रावधान हैं। और अब मोहम्मद शमी और हसीन जहां दोनों ने, जब पंचायत का फैसला आया, पंचायत की तरफ से ये कहा गया कि मोहम्मद शमी जो हैं वो आ रहे हैं 14 मई को, और 14 मई को शमी पहुंचे नहीं और 2 दिन पहले वो दरगाह घूम रहे थे परिवार की सुख शांति के लिए। अब जब आप सुख और शांति के लिए परिवार भगवान के पास गए हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती जी के पास गए हैं, वहां पर फिर आप 14 मई को पहुंचे क्यों नहीं? आप आईपीएल में तो खेल नहीं रहे, टीम के लिए खेल नहीं रहे, टीम के साथ नहीं दिख रहे, तो आपके साथ मसला क्या था? पंचायत की तरफ से ये बयान आया कि भाई मोहम्मद शमी जो है बिजी होंगे, उसके अगर उन पर टाइम मिलेगा तो वो आ जाएंगे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हसीन जहां, शमी और पंचायत तीनों की तरफ से ये बयान आ गया कि मीडिया को कुछ नहीं बताना है। अब दो बातें, मीडिया तो आपके पास गई नहीं थी, हसीन जहां को इल्जामात लगाने थे तो मीडिया थी, शमी को अपना क्लैरिफिकेशन देना था तो मीडिया थी, इंडियन क्रिकेट बदनाम हुआ तो मीडिया थी। इसी मीडिया ने आपके मसले को, आपकी बात को आगे रखा, आज आपको मीडिया खराब लग रही है। बहरहाल मीडिया को शायद इन बातों से फर्क भी ना पड़े, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आपने इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स का नाम ले लिया, आपने इंडियन क्रिकेट को बदनाम कर दिया, कई सारी चीज़ें रख दी, आपने शक पैदा कर दिया कि कई बड़े क्रिकेटर्स का नाम हो सकता है, आपने नाम नहीं लिया लेकिन उसके बाद आपने शक तो सबके सामने कर ही दिया। मोहम्मद शमी को यहाँ पर आगे आना चाहिए था और उनको बोलना चाहिए था कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं तो आप प्रूफ कीजिए, अगर आप सही होते तो। यहाँ पर हो सकता है कि शमी भी के भी फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ खुलासा है या हसीन जहाँ यहाँ पर सच हैं, सही हैं, तो फिर मोहम्मद शमी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर तो मोहम्मद शमी करियर तो छोड़िए, फिर उनकी ज़िंदगी पर भी दाव लग जाएगा। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मसला जो है ये कितना जल्दी से जल्दी हल होता है, क्योंकि उस छोटी बच्ची के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अब कई लोगों का ये कहना है कि भाई शमी के सपोर्ट में, हम कह रहे हैं हसीन जहाँ के सपोर्ट में। देखिए, जो सच है वो बताना हमारा काम है,
और जो जो चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं धीरे धीरे एक नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। पिछले 2 महीने से आरोप पर आरोप लग रहे थे, आप जब मीडिया के सामने आके कहेंगे ही नहीं, आप सफाई नहीं देंगे, अपने फैंस को नहीं बताएंगे, तो आप पर तो सवाल उठेंगे। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी मोहम्मद शमी और हसीन जहां को लेकर तमाम अपडेट्स के साथ। लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।